नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है क्या होती है कावड़ यात्रा और इसका इतिहास क्या है। चलिए जानते हैं सब कुछ। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। इस दौरान कावड़ यात्रा भी निकाली जाती है, लेकिन क्या आपको पता है कि कावड़ यात्रा के इतिहास क्या है। 14 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो चुका है। सावन का महीना भगवान शिव और उनके उपासकों के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव को खुश करने के लिए हर साल लाखों श्रद्धालु कांवड़ यात्रा निकालते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान शिव भक्तों की सारी मनोकामना पूरी करते हैं। यात्रा शुरू करने से पहले श्रद्धालु बांस की लकड़ी पर दोनों ओर टिकी हुई टोकरियों के साथ किसी पवित्र स्थान पर पहुंचते हैं और इन्हीं टोकरियों में गंगा जल लेकर लौटते हैं। इस कावड़ को लगातार यात्रा के दौरान अपने कंधे पर रखकर यात्रा करते हैं। इस यात्रा को कावड़ यात्रा और यात्रियों को कावड़िया कहा जाता है। पहले के समय में लोग नंगे पैर या पैदल ही कावड़ यात्रा करते थे, हालांकि अब बाइक, ट्रक और दूसरे साधनों का इस्तेमाल करने लग गए हैं। जानिए क्या है कावड़ यात्रा का इतिहास। कहा जाता है भगवान परशुराम भगवान शिव के परम भक्त थे। मान्यता है कि वे सबसे पहले कावड़ लेकर भागवत जिले के पास पूरा महादेव गए थे। उन्होंने गढ़मुक्तेश्वर से गंगा का जल लेकर भोलेनाथ का जल अभिषेक किया था। उस समय श्रावण मास चल रहा था। तब से इस परंपरा को निभाते हुए भक्त श्रावण मास में कांवड़ यात्रा निकालने लगे। कांवड़ यात्रा के कुछ नियम भी होते हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों को एक साधु की तरह रहना पड़ता है। गंगा जल भरने से लेकर उसे शिवलिंग पर अभिषेक करने तक का पूरा सफर भक्त पैदल नंगे पांव भी करते हैं। यात्रा के दौरान किसी भी तरह का नशे का या मांसाहार की मनाही होती है। इसके अलावा किसी को अपशब्द भी नहीं बोला जाता। स्नान किए बगैर कोई भी भक्त कांवड़ को छूता नहीं है। आमतौर पर यात्रा के दौरान तेल, साबुन, कंघी आदि का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसके अलावा भी चारपाई पे ना बैठना आदि भी कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। श्रद्धालु सावन की चतुर्दशी के दिन किसी भी शिवालय पर जल चढ़ाने के लिए जाते हैं। ज्यादातर कांवड़िए मेरठ के ओघड़नाथ पूरा महादेव, वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर, झारखंड के वैद्यनाथ मंदिर और बंगाल के तारकनाथ मंदिर में पहुंचना ज्यादा पसंद करते हैं। कुछ अपने गृह नगर या निवास के करीब के शिवालयों में भी जाते हैं। आपने मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना, उसके लिए शुक्रिया। फिर आती हूँ एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।